नाम है अथर। तो आज आप देख ही रहे होंगे मेरे पास कितना सारा सामान है। आज मैं कुछ क्रिएटिव बनाने वाला हूँ। आज ये मेरा स्कूल प्रोजेक्ट है और मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाकर आपके साथ भी शेयर कर दूँ। चलो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। देखो मैंने जो बैलून में कर रहा था उसे मैंने 2-3 आवर्स के लिए सुखाने रख दिया था और फिर मैंने उसे फोड़ दिया तो फिर ये बन गया। ये देखो ये मेरी कैप और ये मैंने अपना एक बेस बनाया है। ये एक डिस्पोजेबल बॉक्स था, मैंने इसे हाफ कट करके उसका इतना पोर्शन निकाल दिया है और ये ऐसा बन गया। फिर मैंने इसके ऊपर पेपर जैसे मैंने इसको किया वैसे ही कर दिया। अब मैं इस फाइबर को हल्के हल्के पीसेस ऐसे कर लूँगा और फेविकॉल लूँगा। और इसको ऐसे चिपका दूंगा। देखिए ये मैंने इग्लू बना दिया है। आपको लग रहा है इग्लू? ये देखिए मैंने इसे इग्लू तो बना दिया पर अभी कुछ अलग सा लग रहा है। ये इग्लू थोड़ी ना ऐसे सिटीज में होता है जिधर स्नो ही ना हो, इसलिए अब मुझे इसे फेविकॉल लगा लगा के पूरे इग्लू का कॉटन लगाना पड़ेगा। ये सब मैंने खुद बनाया है। मैंने पूरा सरफेस कॉटन से कवर कर दिया और एक स्नोमैन बना दिया, क्यूट क्यूट। ये देखिए मैंने एक स्लेज बना ली है, एक वो बिल्कुल ऐसे बॉक्स को, कोई भी सोप का बॉक्स ले लीजिए और उसको ऐसी शेप में कट कर लीजिए। फिर जो उसका रिसाइकल करने वाला पार्ट बचा होगा उसका एक कट करके ऐसे लगा दीजिए और उस पर फेविकॉल। फिर जब ये रेडी हो जाएगी फिर मुझे इसको, मैंने इसको ऐसे डोर कट किया इसका और इसकी स्टेयर्स बना दी। अब चलते हैं इसके ऊपर कलर करने के लिए। देखिए अब मैंने इसकी इसको कैसा बना दिया है। मैंने इसकी जो इग्लू था उस पर मैंने सर्कल्स करके लाइन्स की और मैंने स्लेज बना के उस पर डियर कर दिया और धागा बांध दिया और स्टार्स लगा दिए। थैंक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।